हमारे साथ सब देश होता है। आप देखो लाइन लगती है अगर हम बोलते पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने बोला वंदे मातरम, भारत माता की जय। लेकिन आज तक 30 साल तक की कोई पूछता भी नहीं है। एक लिस्ट बनती थी आज किस किस हिंदू को मारना था। ऐसी शायद ही कोई मस्जिद हो जहाँ से ये अनाउंसमेंट नहीं हुई कि कश्मीरी पंडितों तुम लोग यहाँ से भागो, अदरवाइज या तो हमारे साथ मिलो या मरो। हम ऐसे छुप के देख रहे थे जैसे वह नाला तकदीर वहाँ ऐसे हुआ था, क्योंकि हमारे बहन भाइयों को रेप किया। उनका मुद्दा ये था कि भाई कश्मीर के अंदर मुसलमानों के सिवा और कोई ना रहे। ये तो एक तो हम बोलते जब हम डर की वहाँ पे वहाँ से भाग के है ना, ये तो भगवान का एक शुक्र है हम बच गए। उनका एम था टू किल कश्मीरी पंडित, जितने भी कश्मीरी पंडित थे पाकिस्तान में प्रोपगंडा बना था, जितने भी कश्मीरी पंडित थे उनको मारो और औरतों को ले जाओ। ये भगवान का उस टाइम जगमोहन गवर्नर थे, जैसे हमने प्रोटेक्शन मांगी वो नहीं दे पाए, सब नहीं दे पाए, हम भाग के आ गए। मतलब उन्होंने बचाया, नहीं तो एक पंडित जिंदा नहीं होता। सर इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो कश्मीरी पंडितों से, आप यहाँ से छोड़ जाओ, आप यहाँ से निकलो नहीं तो मर जाओ, या तो हमारे से मिल जाओ या तो आज़ादी ले लो हमारे साथ। हम थोड़ी उनकी बात करी गई थी। हाँ ये तो बोला आज़ादी ले लो। वहाँ पे उस टाइम एक रेडियो कश्मीर होता था, आज़ाद कश्मीर, वो भड़काता था शाम को, वो आता था 7 बजे न्यूज़ रेडियो आज़ाद कश्मीर रेडियो, और शाम को वो सब सुनते थे, आज ये करो कल ये करो कल ये करो कल कश्मीरी पंडित इतने। फिर इन्होंने स्टार्ट किया कश्मीरी पंडितों को मारना, फिर औरतों के ये ब्रश तक काटे, आपने सुना होगा, उनके आरी पे काट के दो दो पीस किए। लेकिन हमारी मीडिया वालों ने किसी ने नहीं दिखाया, आज तक किसी ने नहीं दिखाया इनके साथ क्या हालत हुई। 7 लाख कम नहीं होते, 7 से ज़्यादा ही 8 लाख, आधे तो वैसे ही मर गए। फिर जम्मू में आ गए, टेंटों में बैठ गए, आधे मर गए धूप से, आधों को सांप ने काटा, लेकिन आज तक किसी ने नहीं दिखाया। ये हमारी बात किसमी थी और क्या है। सर ये जो रवैया रहा इसको क्या किस तरीके से, जो सर इतनी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं और हमारा देश एक जिंदा लाश बने आप सबको देख रहा होता। नहीं यार इसमें हमको हाईलाइट ज़्यादा नहीं किया इन्होंने, जो आप बोलते वो मेडल देने वापस आए, वो आजकल क्यों नहीं आए मेडल देने वापस, ये उनकी गलती है ना। आज ये यहाँ पे आते भाई साहब हिंदू को इतने मार दिए, ये क्यों मारे, इस पर भी तहकीकात करो क्यों मार दिया इनको, इन्होंने इनकी क्या गलती थी। आपको कोई यहाँ पे CID लगता है? वहाँ पे ये बोलते हैं CID है। एक लिस्ट बनती थी आज किस किस हिंदू को मारना था। अब सबके माँ बाप बहने हैं वो तो घर में है, वो तो निकलना था। ये भगवान की कोई मेहरबानी है जितने बच्चे है ये, नहीं तो एक कश्मीरी पंडित नहीं मिलता आपको। ये कुंभ नहीं पता चलती आपको कोई कश्मीरी पंडित था। कबाली ने हमको मारा, जैसे पहले एक जमाने में कबाली ने मारा उस टाइम, इसके बाद ये हो गया, हम तो भागते रहे जिंदगी भर। इस तरीके की स्थिति आपके साथ बनी रही और कोई भाई साहब हम जिंदा भी रह सकते हैं अगर हम बोलते पाकिस्तान जिंदाबाद। हम बंदूक उठाते, हमारे साथ सब देश होता, आप देखो लाइन लगती है अगर हम बोलते पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर हम उधर बंदूक उठाते ना हमको कौन मारता। हमने बोला वंदे मातरम, भारत माता की जय। लेकिन आज तक 30 साल तक की कोई पूछता भी नहीं है। इनको ले जाएंगे, इनको ये करेंगे, कौन पूछता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, पूछता है कोई। मैम आपका शुक्रिया। मेरा नाम वीना त्रसल है, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। वीना जी क्या हुआ था 19 जनवरी 1990 को कि आपको अपना घर बार अपना राज्य सब छोड़कर दर बदर की ठोकरें खाने के लिए देश में शरणार्थियों की जिंदगी जीनी पड़ी? उस टाइम ऐसा हुआ, मेरे को शादी हुई थी तभी हम घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकल ही नहीं सकते मैं। हम ऐसे छुप के देख रहे थे जैसे वह नाला तकदीर वहाँ ऐसे हुआ था, क्योंकि हमारे बहन भाइयों को रेप किया, हमारे भाइयों को मारा। वो कह रहे थे हिंदुओं को कश्मीरी मर्दों को ले जाओ तो औरतों को वहीं छोड़ो, इतनी गाली गलौज हो रही थी वहाँ पर। हम ये चीज़ बयान नहीं कर सकते हमारे साथ हुआ क्या, हमारे साथ रेप हुआ, हमारे साथ हमारे कश्मीरी हमारे भाई बहन को मार दिया गया, मगर हमारे साथ किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी गवर्नमेंट ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। अभी 370 हट गए मगर हमारे लिए नहीं हटाए 370। मैम इतना समय होने के बाद भी आप कह रही हैं कि हमें सपोर्ट नहीं किया गया। मैम आज शाहीन बाग का होता है,
हर घर शाहीन बाग मुहिम चलाई जाती है, हर नेता जाके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाता है और कहता है कि मानव अधिकार संविधान की हत्या हो रही है। मैम 30 साल पहले मैम ऐसा क्या हुआ कि वो लोग आपके साथ नहीं आकर खड़े हो और यहाँ सब आके खड़े हो? वो हमारे साथ क्या खड़े होंगे, वो तो मुस्लिम को साथ है, वो तो इनको उनको कांग्रेस भड़काते हैं, उनको केजरीवाल भड़का देते हैं, हमारे साथ क्या होंगे वो? हमारे साथ क्या, जो हमारे साथ है वो हम क्या बयान कर सकते हैं, हमारे साथ हुआ क्या? इस तरीके का जो एक तरफा रवैया होता है जब आप देखती हैं अपने समाज में, अपने ही नेताओं को, अपने ही जो संविधान के अपने आप को रक्षक बोलते हैं, जब इस तरीके का रवैया उनका होता है, मैम किस तरीके से कैसा महसूस करते हैं? हम तो बहुत बुरा महसूस करते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ तो यहाँ भी हमने बहुत कुछ झेला है, कश्मीर से आके हमने यहाँ कुछ बहुत कुछ झेला है। हम जब कश्मीर से भाग गए थे, हम रात को 2 बजे रात भाग गए थे वहाँ से, खाली हाथ भाग गए, हमने कुछ भी नहीं लेके आए थे। हम उस रात को 2 बजे रात हम बाहर से निकले थे, कर्फ्यू लगा हुआ था, 2 बजे रात हम वहाँ से भाग के निकले थे। याद आता है, बहुत याद आता है, क्यों नहीं आता है? हम अपना वतन भूल सकते हैं? अपना वतन कौन कश्मीरी पंडित भूलेगा? मेरा नाम कमल है जी। कमल जी, 19 जनवरी को क्या हुआ था जो आपको अपना घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा सर? सर मस्जिदों में 19 जनवरी से कहानी तो बेसिकली ये बहुत पहले से है, लेकिन 19 जनवरी को इतना कुछ हुआ कि हर मस्जिद से, ऐसी शायद ही कोई मस्जिद हो जहाँ से ये अनाउंसमेंट नहीं हुई कि कश्मीरी पंडितों तुम लोग यहाँ से भागो, अदरवाइज या तो हमारे साथ मिलो या मरो या गलो। तो कश्मीरी पंडित क्वांटिटी में बहुत कम था, लड़ना झगड़ना हमारे खून में है नहीं, रीज़न बिहाइंड हम लोगों को एक ही रास्ता मिला कि भाई अब तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले हमारे बहुत सारे लीडरान, हमारे बहुत सारे लोगों को ऐसे मार दिया गया जिसकी कोई हद ही नहीं। एक हमारी बहन थी सरला जी, उसको तो भैंडसा के ऊपर जो आरा होता है, आरे के ऊपर काट दिया, 7-8 टुकड़ों में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये सब चीज़ें हुई, रीज़न बिहाइंड हम लोगों को निकलना पड़ा, हम लोगों को भागना पड़ता है, अदरवाइज़ कौन अपनी धरती छोड़ना चाहता है कौन? अब आज 30 साल हो गए, 30 साल में हमारा कोई आता पता ही नहीं है, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। अब 30 साल हो गए हमारे को हमारा अपना घर छोड़े हुए, 30 साल के बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ थे। यही जुर्म था आप लोगों का कि आपने भारत माता की जय और वंदे मातरम बोला, आपने पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोला, इसलिए आपको अपने घर छोड़ने पड़े? देखो, इसमें बड़ा सिंपल जो मुद्दा था उनका, उनका मुद्दा ये था कि भाई कश्मीर के अंदर मुसलमानों के सिवा और कोई ना रहे, सबसे पहला ये था। और तभी उन्होंने जो भी अल्पसंख्यक जातियाँ थीं उनको निकाल दिया, और कश्मीरी पंडित जितने भी थे उनको एक रात में नोटिस लगा दिया उनके घरों के बाहर कि अगर आपने जाना है तो आज छोड़ जाओ, कल से सबको कत्ल कर दिया जाएगा। और उन्होंने बहुत लोग कत्ल किए हैं, और जो अपने घर छोड़ के वापस आ गया वो अभी ज़िंदा मिलेंगे आपको। और सबसे ज़्यादा कमज़ोरी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस समय जो भी जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट थी उन्होंने इनका साथ नहीं दिया कश्मीरी पंडितों का। अगर वो चाहते तो ये नहीं होना था, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी वीक थी कि वो कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अभी ये ज़रूरी है कि इनको वापस भेजा जाए, सब कश्मीरियों को वापस बसाया जाए, उनको अपने घर भेजा जाए और देश वापसी होनी चाहिए उनकी। क्या हुआ था ऐसा कि आपको घर बार छोड़ना पड़ा सर? उस समय कैसी स्थिति बनी थी आपके घर के पास कि आपको अपना घर बार जमीन ज़्यादा सब? ये पूरा इसके लिए इतिहास गवाह है, हिस्ट्री गवाह है। पिछले 30 सालों की हमारे घरों के ऊपर पोस्टर लगाए जाते थे, हमारे को धमकाया जाता था निकलो या काफिर, ये काफिर निकल जाए यहाँ से, काफिर निकल जाए। काफिर एक ही कम्युनिटी था, वो कश्मीरी पंडित था। हम कश्मीरी पंडित ने उनका कोई नुकसान नहीं किया, ना तो कोई कुछ किया। अगर उनको हमसे इतनी प्रॉब्लम थी तो सीधे हम लोगों को मार दे ही क्यों, हम लोगों का कत्लेआम ही क्यों होता, हम लोगों को इनकरेज क्यों होता। तो यही पीड़ा है, तो जो हम निकल गए वहाँ से, ये 50 साल थी। आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लॉ है, कानून एडमिनिस्ट्रेशन है, 5-7 लाख लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि इतना बड़ा कम्युनिटी पलायन कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्या करा हमने हमारे लिए? तो इसके लिए आप इनसे सवाल कर सकते हो। मेरा नाम रवि है। रवि जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप कश्मीर से हैं, कश्मीरी हिंदू हैं, 19 जनवरी को ऐसा क्या हुआ था सर कि आप सबको छोड़कर आना पड़ा? टेररिज्म ने वार्निंग दे दी, जो यहाँ रहना चाहता है उसको हमारे साथ मिलना होगा, नहीं तो हम ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना होगा। हिंदुओं को बोला गया कि आप यहाँ चले जाइए, नहीं तो हमारे साथ मिल जाइए, नहीं तो हम आपको ख़त्म कर देंगे। आज़ादी पाकिस्तान के साथ जो खड़ा रहेगा वो यहाँ रहेगा, जो नहीं रहेगा उसको यहाँ रहने का हम नहीं देंगे, उसको हम गोली मार
देंगे। उसकी वजह से सारे कश्मीरी पंडितों को डर का भय का माहौल क्रिएट किया गया और उनको अपना देश छोड़ के जाना, अपनी कंट्री में ही रिफ्यूजी बनना पड़ा। और दुर्भाग्य की बात है, आज 30 साल तक किसी भी सरकार को ये परेशानी नहीं है कि इस कौम का हमने करना क्या है, इनको हमने बसाना कैसे, इनका हमने भविष्य कैसे सुधारेंगे, क्या करना है कैसे करना, कोई मतलब वो नहीं है।